देश में लोकसभा चुनाव का खुमार चरम पर है। सभी पार्टियों के नेता कमर कस के अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में लगे हैं। बात अगर उत्तराखंड की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड से 55 प्रत्याशी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इन 55 प्रत्याशियों में से कुछ करोड़पति नेता भी हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तराखंड के 5 ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जो करोड़पति हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये नेता इतने करोड़पति हैं कि ये बिना पार्टी फंड के अपने बलबूते ही लोकसभा का चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में सबसे पहले नाम है टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह का। माला राज्यलक्ष्मी शाह उत्तराखंड के 55 प्रत्याशियों में सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। माला लक्ष्मी शाह के पास करीब 200 करोड़ की संपत्ति है। माला राज्यलक्ष्मी शाह के पास 6,96,26,415 रुपए की चल संपत्ति और 90 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। साल 2019 में माला के पास 5,77,88,626 रुपए की चल और 90 लाख की अचल संपत्ति थी। इन पर 3.5 करोड़ का लोन था। वर्तमान में ये लोन समाप्त हो चुका है। इसी क्रम में माला के पति के पास 46,08,24,676 रुपए चल संपत्ति और 3 करोड़ अचल संपत्ति के साथ 144.17 करोड़ रुपए की विरासती संपत्ति है। साल 2019 में माला के पति के पास 29,67,37,272 रुपए की चल संपत्ति और 143 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। इन 5 सालों में महारानी परिवार की संपत्ति में करीब 21,77,00,000 रुपए की संपत्ति का इजाफा कर 3.5 करोड़ का लोन भी चुकाया गया है। अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं। उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। वीरेंद्र रावत के पास 20,20,212 की चल संपत्ति और 5,60,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही वीरेंद्र रावत के पास 1 करोड़ रुपए की विरासती संपत्ति भी है। वहीं वीरेंद्र रावत की पत्नी के पास 70,72,643 रुपए की चल और 3,35,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वीरेंद्र परिवार के पास कुल 9,86,42,855 रुपए की संपत्ति है। वीरेंद्र रावत पर वर्तमान समय में करीब 95,25,685 रुपए का लोन है। अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 62,92,113 रुपए की चल संपत्ति, 1,25,05,805 रुपए की अचल संपत्ति है। 2,76,94,000 रुपए की विरासती संपत्ति भी इनके पास है। इसके अलावा त्रिवेंद्र पर 75 लाख का लोन भी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की पत्नी के पास 1,01,92,061 रुपए की चल और 1,08,68,060 रुपए की अचल संपत्ति है। साल 2017 में त्रिवेंद्र के पास 50 लाख की चल और अचल संपत्ति और 50 लाख की विरासती संपत्ति थी। उनकी पत्नी के पास 2,80,000 रुपए की चल और 28 लाख रुपए की अचल संपत्ति थी। साथ ही त्रिवेंद्र पर 11,59,238 रुपए का लोन था। यानी इन 7 सालों में त्रिवेंद्र की संपत्ति में करीब 5,45,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इजाफा कैसे और कहां से हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। गणेश गोदियाल के पास 31,62,567 रुपए की चल और 2,40,59,666 की अचल संपत्ति के साथ ही 12,000 की विरासती संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 32,67,906 रुपए की चल और 2,37,39,666 रुपए की अचल संपत्ति है। साल 2022 के दौरान गोदियाल के पास 6,94,952 रुपए की चल और पत्नी के पास 27,42,859 रुपए की चल संपत्ति थी। इसके साथ ही गोदियाल और उनकी पत्नी के पास सामूहिक रूप से 3,58,39,000 रुपए की अचल संपत्ति थी। ऐसे में इन 2 सालों के भीतर गोदियाल ने न सिर्फ अपनी पारिवारिक संपत्ति में करीब 1.5 करोड़ का इजाफा किया बल्कि 1,33,12,526 का लोन और 1,25,08,350 रुपए की सरकारी देनदारी भी समाप्त कर ली। अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट। इनके पास 98,05,377 रुपए की चल और 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति के साथ 6,39,800 रुपए की विरासती संपत्ति है। भट्ट की पत्नी के पास 1,02,19,811 रुपए की चल और 2,60,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। साल 2019 में भट्ट के पास 69,98,359 रुपए की चल और 9 लाख रुपए की अचल के साथ
6,39,800 रुपए की विरासती संपत्ति थी। भट्ट की पत्नी के पास 86,56,789 रुपए की चल और 25,04,581 रुपए की अचल संपत्ति थी। यानी इन 5 सालों में भट्ट परिवार की कुल संपत्ति में करीब 2,90,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों को देखें तो एक बात तो साफ है कि नेता दिन पर दिन करोड़पति होते जा रहे हैं और आम जनता महंगाई और बेरोजगारी के तले दबती जा रही है। नेताओं की बढ़ी हुई संपत्ति का सोर्स क्या क्या है ये तो पता नहीं है। नेताओं की संपत्ति में इतनी जल्दी कैसे करोड़ों की बढ़त हो जाती है आज तक सबकी सोच से परे है।